आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। श्रावण की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर और एसपी ने विभागों के अधिकारी कर्मचारी जन प्रतिनिधि और मीडिया कर्मियों के साथ की बैठक। हमेशा की तरह नगर परिषद अध्यक्ष उपस्थित नहीं रही। आगामी दिनों में श्रावण प्रारंभ होगा। श्रावण में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक मनोज राय सहित सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। मीडिया कर्मी जन प्रतिनिधियों ने मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था तथा घाटों पर डूबने की हो रही घटना के अलावा मार्गों पर पहले अतिक्रमण, बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के सुझाव दिए। हमेशा की तरह पर्वों पर होने वाली बैठक में नगर परिषद अध्यक्ष मनीष परिहार नदारद रहीं। कलेक्टर अनूप कुमार ने कहा, पर्वों पर हम सभी की जिम्मेदारी है। सभी के सहयोग से तालमेल बनाकर दिए गए निर्देश का पालन नहीं करने पर सख्ती से प्रशासन कार्रवाई करेगा। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने कहा, यातायात व्यवस्था एवं दर्शन व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त बल लगाया जा रहा है। संपूर्ण क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। जन प्रतिनिधियों के सुझाव को गंभीरता से लेकर तत्काल कार्रवाई होगी। कुछ घाटों को नावों के लिए प्रतिबंधित किया गया है। व्यवस्था का प्लान बनाकर सभी को निर्देशित किया जाएगा। अलग से थाना प्रभारी, सीएमओ, एसडीएम बैठक लेकर तथा नाविक और पंडा पुजारी, मीडिया कर्मियों ने भी अपने अपने सुझाव दिए। प्रबंध ट्रस्टी प्रतिनिधि जंग बहादुर ने कहा, मंदिर की व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। अव्यवस्था फैलाने वालों पर कार्रवाई करेंगे। ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। श्रावण मास में मंदिर की जो परंपराएं हैं उनको हम पूरा निर्वहन करेंगे और किसी भी तरीके का क्राउड नहीं हो उसको कंट्रोल करने के लिए अभी नया हमने ब्रिज भी बनाया है, उससे भी व्यवस्थाएं करेंगे और जो अव्यवस्थाएं फैलाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जैसे दर्शनार्थियों को आराम से दर्शन करें, जैसे कि पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर साहब ने बोला है कि मंदिर में अव्यवस्था फैलाने और वीआईपी के नाम से जो रसीद फटती है उसको बार बार दोहराने वालों पर भी ट्रस्ट कार्रवाई करेगा। वो तो हम करते ही हैं। वो क्या है, ये एक दो आदमियों ने गलत काम करके और उसको किया है, हमने उन लोगों को सजा भी दी है। इस तरीके का कृत्य हम करने ही नहीं देते हैं। सर आपका परिचय? मैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट का ट्रस्टी जंग बहादुर से। जो अपना श्रावण मास 21 तारीख से प्रारंभ हो रहा है उसमें प्रमुख रूप से जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट का बिंदु रहता है और साथ ही सुगम और सुरक्षित दर्शन का जो बिंदु रहता है उसको लेकर आज ही बैठक आयोजित की गई है, जिसमें ओंकारेश्वर की नगरी के जितने भी तमाम स्टेक होल्डर हैं वो लोग भी हैं, उनसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए और पूर्व में जो हम लोगों के प्रशासन और पुलिस के अनुभव हुए उसमें किस तरीके से हम लोग सुधार करें उस व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उसका परिणाम ये निकला कि जो हम लोगों ने शिवरात्रि पे जो ट्रैफिक की व्यवस्था की थी, जो पार्किंग व्यवस्था की थी, उसी को हम लोग लागू करेंगे, जिससे कि जो हमारे अधिक भीड़ वाले दिन होते हैं शनिवार, रविवार और सोमवार, उसमें हम लोगों को क्राउड मैनेजमेंट के हिसाब से स्पेस मिल सके और साथ ही जो मंदिर पे अचानक से जो भीड़ बढ़ जाती है और जिसकी वजह से दर्शनार्थियों को दर्शन करने में वेट करना पड़ता है वो ना करना पड़े, इसके लिए साथ ही हम लोगों ने जो नाविक संघ से लोगों से बात की है घाटों पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, अनाउंसमेंट सिस्टम, कैमरा सिस्टम, प्रत्येक घाट पर वॉलेंटियर्स के साथ में एसडीआरएफ के साथ जवान मिलकर और जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो होटल वाले हैं उनको भी क्या क्या जिम्मेदारी देनी और उनको भी अपने यहाँ रुकने वाले तीर्थयात्रियों को क्या क्या सुरक्षा संबंधी निर्देश जारी करने, जिससे कि वो भी बेहतर तैयारी हो सके, इससे भी सभी बिंदु पर विस्तार से चर्चा की गई है और उम्मीद करते हैं हम लोग हर बार की तरह इस बार और अधिक सुगम दर्शन करा सकेंगे, क्योंकि अभी हाल में हम लोगों ने शिवरात्रि का पर्व बहुत अच्छे संपन्न कराया और उसमें जो एक्सपेरिमेंट भी तो काफ़ी हद तक सफल रहे उसी को हम लोग लागू करेंगे। परिवहन व्यवस्था की बात है, जो टेम्पो यहाँ शहर के हैं उसमें जो उनकी जो नियत जो भी नियमानुसार उनकी जो भी सिटिंग व्यवस्था है जितना कैपेसिटी अलाउड उतने को अलाउ करेंगे और एक पॉइंट के बाद उनको भी अलाउ नहीं करेंगे। हम विशेष परिस्थितियों में यदि कोई वृद्ध या बीमार होगा तो उसको थोड़ा आगे जाने तक देंगे। बैठक में लिए निर्णय का अगर कोई पालन नहीं करता है तो क्या कार्रवाई? बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आगामी 2-3 दिवसों में हम लोग जो भी दुकानदारों ने अपना सामान बाहर निकाल रखा है उनसे सामान अंदर रखने के लिए, साथ ही वो अपने स्तर पर कोई गंदगी ना फैलाएं, इसके लिए पूरा हम लोग अभियान चलाएंगे। उसके बाद यदि 2-3 बार समझाने के बाद कोई समझता नहीं है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो करेंगे सर, देखते ना उसके आधार पर कार्रवाई होगी। यदि कोई अवैध भेजता है, यदि कोई सूचना देगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। अभी 22 जुलाई से सावन मास शुरू हो रहा है उसको लेके हम लोग आज यहाँ ओंकारेश्वर आए हैं और बैठक भी ली है और सबको जागरूक भी किया है। इसको लेके पुलिस काफ़ी चाक चौबंद है और जो प्रत्येक वर्ष व्यवस्थाएं लगती हैं उन व्यवस्थाओं के अनुरूप ही यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था, घाटों पर व्यवस्था, लोग बहुत ही स्मूथ तरीके से दर्शन कर लें उसके लिए व्यवस्था, इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए हम लोग सभी पहलुओं को देख रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पे पर्याप्त संख्या में बल आए,
यहाँ के स्थानीय वॉलंटियर्स की मदद भी लें और उनकी मदद से यहाँ पे पार्किंग स्थल के बाद लोगों का आवागमन अच्छे से हो, साथ ही यहाँ पे लोग सुरक्षित तरीके से आके स्नान करें और दर्शन करें। दर्शन के लिए क्या अलग से सत्कार व्यवस्था श्रावण पर्व में रहेगी VIPO के लिए? देखिए, यहाँ जो व्यवस्था है जो परंपरागत रूप से है, इसमें प्रोटोकॉल के कुछ पहलू होते हैं। जब आप सभी को मालूम है कि कई बार बहुत ही वरिष्ठ स्तर से कभी कोई आता है, फिर उसके लिए सामान्य जो हमारे श्रद्धालु और दर्शनार्थी हैं उनके दर्शन में किसी तरह का प्रभाव न पड़े और स्मूथ तरीके से दर्शन हो, ये सुनिश्चित करते ही हम लोग हर व्यवस्था। बाहरी लोग टीका चंदन वाले बड़ी मात्रा में आने लगे हैं, इस पर पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी स्थानीय थाना प्रभारी को बता दिया गया है, ऐसे सभी लोगों पे सख्त वैधानिक कार्रवाई। अभी 5 जुलाई को आयुक्त इंदौर संभाग और पुलिस महानिरीक्षक इंदौर ग्रामीण दोनों लोग यहाँ ओंकारेश्वर आए थे और उस मीटिंग में भी ये तय किया गया कि सावन मास में जो हैवी ट्रैफिक है देश गांव से और इंदौर से और सिमरौल से दोनों तरफ से इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। उसके लिए कलेक्टर साहब ने जो आदेश होता है वो भी उसको जारी कर रहे हैं और 22 तारीख से हम लोग इसका पालन कराएंगे कि पूरे माह में जो कांवड़ यात्रा यात्री आ रहे हैं और श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो और रोड पे पर्याप्त व्यवस्था भी रखेंगे और गाड़ियों को डाइवर्ट भी करेंगे। एक जो दर्शन का व्यवस्था है उसी के अनुरूप आप सभी को पता है व्यवस्था रहेगी, हम लोग व्यवस्था माकूर प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था।